आज बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस का हाथ थामेंगे। उन्होंने 9 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि नवरात्र के शुभ मौके पर औपचारिक तौर पर वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन एक इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना शुभ काम हो रहा है, तो इस शुभ काम के लिए मैं समझता हूँ सबसे शुभ दिवस जो आ रहा है वो है नवरात्रि की बात हो रही है। नवरात्रि सबसे शुभ दिवस है। लोकसभा में 5 साल तक खामोश रहे बीजेपी के शत्रु का शुभ दिन आज आ ही गया। नवरात्रि की शुभ घड़ी भी आज ही आ गई। करीब 3 दशक तक बीजेपी से जुड़े रहे दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा का सियासी सफर आज से कांग्रेस के साथ शुरू होगा। सुबह 11:30 से दोपहर 12 बजे के बीच कांग्रेस के सदस्य लेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने इससे पहले 28 मार्च को राहुल गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल होने और पटना साहिब से उम्मीदवारी के सवाल पर दो टूक कहा था कि हालात जो भी हों, लेकिन वो पटना साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे। इन लोगों की मर्जी से और अपनी आत्मा की आवाज रही है कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। पटना, बाकी सब खामोश। पहले पूरे कयास थे कि बीजेपी के शत्रु 28 मार्च को कांग्रेस के मित्र बन जाएंगे, लेकिन पटना साहिब से टिकट पर अगर मगर शुरू हुई तो शत्रु के हाथ थामने की घड़ी भी टल गई। सूत्रों का दावा है कि उसी दौरान लालू प्रसाद यादव की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा को मैसेज भेजा गया, कांग्रेस की सीट छोड़ी तो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा के पास दोनों हाथों में लड्डू था, चाहे टिकट कांग्रेस का हो या आरजेडी का, वो बीजेपी के रविशंकर प्रसाद के खिलाफ पटना साहिब से चुनाव मैदान में होंगे।